Hello everyone, myself Jyoti Singh and you are watching Times English Classes. तो आज हम बहुत ही फेमस पोएट पी बी शेली की एक पोएम अ लैमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह पोएम पी बी शेली ने अपनी जीवन की आखिरी दिनों में लिखी थी. यानी कि कवि को जब अपने युवा अवस्था में यह लगने लगा कि वे अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, वह अपनी जीवन से निराश हो चुके थे और निराशपूर्ण भाव से यह पोएम अ लैमेंट की रचना करते हैं. तो पोएम के टाइटल से ही हमें यह पता चलता है कि पोएट जो है वह लैमेंट कर रहे हैं, मतलब विलाप कर रहे हैं, दुख या शोक प्रकट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर, क्योंकि वे अब इस दुनिया में कुछ ही दिनों के लिए जीवित रहेंगे. तो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करके अब हम पोएम की ओर बढ़ेंगे. ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं पोएम आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस करके बताऊंगी. और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, पोएट विलाप करते हुए कहते हैं, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम्ब, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कांप रहा हूँ वहाँ पर जहाँ मैं पहले से खड़ा था, When will return the glory of your prime? फिर कभी क्वेश्चन करते हैं, कब लौटेगा तुम्हारा युवा अवस्था का वैभव? No more. ओह, never more. कभी नहीं. ओह, कभी नहीं. मिस, वो खुशी, वैभव अब कभी नहीं लौटेगी. तो पूरे स्टैंजा को मैं फिर से आपको बता देती हूँ. कवि कहते हैं, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं, यानी कि कवि, चढ़े हुए हैं. कहने का मतलब है कि पोएट अपनी युवा अवस्था में ही जीवन से निराश हो चुके हैं और अपनी जीवन के अंतिम दिनों में हैं, कांप रहे हैं अपनी जीवन के कष्ट के बारे में सोचकर वहाँ पर जहाँ वे पहले खड़े थे, और प्रश्न करते हैं जीवन से, कब तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव लौटेगा? और फिर निराश होकर कहते हैं, कभी नहीं. आह, फिर कभी नहीं लौटेगा. आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशी, आनंद उड़ान भर चुकी है. मीन्स रात और दिन में से खुशी मानो कहीं उड़ चुकी है. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, ताजी वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु की बर्फीली हवा, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, मेरे दुर्बल हृदय को सिहारती है दुख से ना कि खुशी से. नो मोर, ओह, नेवर मोर, कभी नहीं. आह, फिर कभी नहीं. तो पोएट कहते हैं, दिन और रात में से खुशी उड़ान भर चुकी है, चाहे वसंत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो या शरद ऋतु हो या शरद ऋतु की बर्फीली हवा हो, यह सब मौसम उन्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकती. तो यहाँ हमारा पोएम ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.